शाहरुख खान की जवान के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर थलपति विजय की फिल्म लियो सुनामी बन चुकी है। फिल्म ने रिलीज के 2 दिनों के भीतर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी थलपति विजय की लियो रिलीज के 2 दिनों में 100 करोड़ के हुई पार। फ्राइडे का कलेक्शन भी रहा शानदार। थलपति विजय की साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म लियो सिनेमा घरों में 19 अक्टूबर को पहुंची थी। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 2 दिनों के ही अंदर बॉक्स ऑफिस पर जलजला ला दिया है। खासकर तमिल और तेलुगु भाषी राज्यों में तो फिल्म की परफॉर्मेंस शानदार है। लोकेश कनकराज के डायरेक्शन में बनी लियो ने 2 दिनों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है। चलिए यहाँ जानते हैं थलपति विजय की फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन यानी फ्राइडे को कितना कलेक्शन किया है। लियो ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ ही गर्दा उड़ा दिया है। फिल्म को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है और इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में ऑडियंस की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कमाई की बात करें तो घरेलू बाजार में फिल्म ने 64.8 करोड़ रुपए के साथ तूफानी ओपनिंग की थी। वहीं अब फिल्म के रिलीज के दूसरे दिन यानी फ्राइडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। सकनेल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक लियो ने रिलीज के दूसरे दिन 36 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ लियो की 2 दिनों की कुल कमाई 100 करोड़ के पार हो चुकी है। इसका कुल कलेक्शन 100.80 करोड़ हो चुका है। लियो की कमाई में फ्राइडे को बेशक गिरावट आई है, लेकिन इसने शानदार कलेक्शन किया है। वहीं फिल्म को आने वाली त्योहारी छुट्टियों का भी भरपूर फायदा मिलने वाला है। लियो के लिए जहां शनिवार और रविवार काफी बड़े रहने वाले हैं, तो वहीं सोमवार को रामनवमी और फिर मंगलवार को दशहरा की छुट्टी पर फिल्म के जबरदस्त कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है। फिल्म के बुधवार तक 300 से 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है, यानी थलपति विजय की फिल्म पर पैसों की बारिश होने वाली है। वैसे लियो पहले ही दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी तमिल ओपनर का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। अब ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी सबसे बड़ी तमिल फिल्म बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। लियो के जल्द ही 2.0 पोनी सिल्वेलियन 1 और जेलर के लाइफटाइम कलेक्शन को पार करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसी के साथ ये फिल्म तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। फिलहाल हर किसी की निगाहें लियो की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कितने रिकॉर्ड अपने नाम कर पाती है। इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। इस विषय में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी।